नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाजेगांव में ज़िला परिषद स्कूल वाजेगांव यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ लगाई थी कि जो अल रिजवान स्कूल है उसके सचिव है और वो आज ये सरकारी स्कूल में ज़िला परिषद के स्कूल में पगार लेता है और प्रचार करता है अल रिजवान स्कूल का, तो कहीं लोगों को इस तरीके से फंसाया हुआ है और सरकार प्रशासन को भी धोखे में रखकर ये अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार नामी जो यहाँ का वाजेगांव के ज़िला परिषद का शिक्षक है, जिला अधिकारी को ज़िला परिषद को बेखूब बनाया है कि जिस तरीके से गरीब बच्चों को अल रिजवान स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमने कई दफ़ा वहाँ देखा है कि वहाँ की फ़ीस 40 से 50 हज़ार रुपये लिए जाती है और वहाँ पर गरीब के नाम पर और 20% बच्चों को गरीब लेने के नाम पर वहाँ पर लूट होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आए हैं कि जिस तरीके से वाजेगांव का ये ज़िला परिषद स्कूल है इसके अंदर अगर से अल रिजवान के जैसा शिक्षण दिया जाता है तो अल रिजवान स्कूल के जैसा यहाँ पर शिक्षण बच्चों को मिलता है तो वाजेगांव के लोग उस अब्दुल रशीद का सत्कार करते हैं और यहाँ के सरपंच भी लोग खुश होते थे कि अल रिजवान की तरह यहाँ पर भी जो है शिक्षण मिला जाए बच्चों को, मगर अपनी दुकानदारी चलाने के वास्ते प्रशासन को बेखूब बनाया जाता है, ज़िला परिषद को बेखूब बनाया जाता है, उसकी पगार उठाकर और ख़ुद की प्राइवेट स्कूल अल रिजवान को प्रमोट किया जाता है और वहाँ पर गरीब बच्चों को नहीं लिया जाता है, जो कि वहाँ पर सिर्फ VIP लोगों को लिया जाता है ऐसा बताया जाता है और 50 हज़ार रुपये से फीस शुरू होती है, जो कि वो स्कूल के अंदर कहीं राजकीय लोगों को पकड़कर वो स्कूल चलाई जाती है और कहीं प्रोग्राम भी हमने देखा है अल रिजवान स्कूल के जो बच्चों को अवार्ड दिए जाता है, प्रोग्राम लिए जाता है कुसुमताई में शंकरराव चौहान सभागृह में, तो ये तरीके से ये प्रशासन की लूट हो रही है और लोगों की लूट हो रही है। तो आज हम वाजेगांव के ज़िला परिषद स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत के बाजू में ज़िला परिषद स्कूल है, जो इस स्कूल में बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलना चाहिए और यहाँ के भी बच्चों को अवार्ड देना चाहिए, ऐसा लोगों की मांग है और ग्राम पंचायत से भी लोगों हमारी गुजारिश है कि इस अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार ये शिक्षक पर कार्रवाई किए जाए और जिस तरीके से लोगों की लूट कर रहा है और यहाँ पर शिक्षक यहाँ के सरकारी पैसे उठाकर प्राइवेट स्कूल का प्रचार कर रहा है, इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं ये देखना है। नांदेड़ से मैं शेख या माझा महाराष्ट्र। नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाइव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। वेतन सरकारचे आणि प्रचार अल रिजवान शाळेचा, अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार या शिक्षकाविरुद्ध कारवाई होणार का यावर प्रश्नचिन्ह। जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील एका शिक्षकाने चक्क वेलफेअर असोसिएशनच्या नावाने असलेल्या एका शाळेचा प्रचार आणि तसेच शाळेच्या व्यवस्थापनावर सचिव म्हणूनही ते कार्यरत आहेत। याबाबत पुराव्यांशी तक्रार केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या समित्यांवर समित्या स्थापन करण्याची बाराखडी सुरू आहे। आता पुन्हा एकदा 15 फेब्रुवारी रोजी समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले, परंतु अद्यापही ती स्थापन झाली नाही, त्यामुळे शिक्षक विभागात नेमके चालले तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो। वाजेगावच्या जिल्हा परिषद शाळेवरील अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार हे मुस्लिम युथ वेलफेअर असोसिएशनच्या सचिव पदावर कार्यरत आहेत। तसेच असोसिएशनच्या वतीने चालवण्यात येत असलेल्या अल रिजवान या शाळेतील उपक्रमांची, चांगल्या शैक्षणिक सुविधांची यासह इतर बाबींचा प्रचार करतात। त्यांचे असे व्हिडिओ सोशल मीडियावरही उपलब्ध आहेत। याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते गजानन कानडे यांनी मागील वर्षी तक्रार केली होती, त्यावर 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल दिला। त्यानुसार संबंधित व्यक्ती सचिव असलेल्या संस्थेकडून स्वयं अर्थसहाय्यता शाळा चालवली जात असल्यामुळे पोट नियमाचा भंग होतो असे स्पष्टपणे नमूद आहे, परंतु त्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही, उलट तक्रारकर्त्याचा छळ मांडण्यात येत होता। त्यानंतर अन्य एका तक्रारदाराने तक्रार दिली, त्यावर प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सविता बेर्गे यांनी तात्काळ चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले, परंतु अद्यापही ही समिती स्थापन झाली नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषदेतूनच कारवाईसाठी टोलवा टोलवी सुरू आहे।